Hey y'all, come look at this. उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया 3 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूँ कि एक वर्ष के अंदर ही 9 बार 11 बार हो गए, एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी है। मैंने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, मैंने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। पेट्रोल के प्राइस पे 1 रुपया जो है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है सरकार ने इस बजट में। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये वो सरकार है जो सत्ता में आई है 2019 के चुनाव में, एक ऐसा चुनाव जिसमें महंगाई प्रमुख मुद्दा नहीं था और ये भारत के राजनीतिक इतिहास में अपने आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें। क्या बोले तूने? तो आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, कोई सेंस है इस बात की? अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें, तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।